बहुत अमेजिंग सोफ़ा सेट लेके आऊँ आज आपके लिए। इसके ऊपर जो फैब्रिक है वो तिला एम्ब्रॉयडर्ड है, साथ में इसकी जो वेलवेट है वो इम्पोर्टेड है, जो साइड की विड्थ है वो भी दूसरे सोफा से ज्यादा है। आप इसको देखें कैसे स्ट्रेच किया गया है। सेंटर टेबल के ऊपर ये पूरा हैंड मोटिव एम्ब्रॉयडरी बनाई गई है, पूरा हाथ के साथ इसके ऊपर काम किया गया है। ये साइड पैटर्न इसका कार्विंग में है, तो इसमें दो छोटी टेबल्स मिलेंगी सेंटर टेबल की। ये टू सीटर सोफा है, नीचे से आप देखेंगे तो आपको पूरा ये वर्साची का पैटर्न नजर आएगा। इस सोफा का जो यूएसपी है वो सबसे ज्यादा इसका डे बेड है। डे बेड इसको इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसके पीछे से कुशंस निकाल देते हैं तो ये आपका एक मिनी सिंगल बेड बन जाता है। जैसे कि इसकी विड्थ है 6 फीट बाय 3 फीट और पीछे इसके दो कुशन है। अगर ये कुशन मैं इसके साइड पे कर रहा हूँ तो ये पूरा एक आपको बेड की लुक दे दे। ये बैठने में भी बहुत कंफर्टेबल है और बैठ के आप लेटने भी बहुत कंफर्टेबल है। ये सोफा पड़ा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। सबसे पहले तो आप रिफ्लेक्शन देखें ग्लॉस की कि मैं आपको इसमें पूरा नजर आ रहा हूँ। सोफा आप लिविंग रूम में प्लेस करना चाह रहे हैं तो इसके साथ फिर हमने मीडिया यूनिट ये बनाया है। टीवी इसके अंदर प्लेस किया गया है, सामने ब्रास की स्ट्रिप्स हैं। प्रॉपर ये वॉल माउंटेड है, ये फीचर वॉल है, इसके अंदर मिरर की लुक दे रही है और साथ में ये जब पूरा सोफा पड़ा होता है तो बड़े मजे की लुक देता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में अगले नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए अब्दुल्ला नान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।